सो व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अगर ग्रेट नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। लाइफ में ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, तो ग्रेट हो गए इवेंचुअली। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू क्लीन योर रूम स्टार्टर पैक। भाई ये भी है बात करने वाली, ये मम्मी पापा के लिए तो नहीं है वीडियो, क्योंकि मम्मी पापा हमसे अच्छा रूम या घर क्लीन करते हैं या करवाते हैं। ये बैचलर्स है उन सब लोगों के लिए जिनको पता नहीं होता कि जब बहुत सारा मेस क्रिएट कर लेते हैं ना तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। मेस मतलब थोड़ा हमारा मेस दिखा दिया जाए, हमारा हर तरीके के हर ग्राउंड लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर जगह पे अलग अलग तरीके का मेस है। तो अब हमने क्या करना है, हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ पे हैं और फिर उनको उस हिसाब से उनका सफाया करेंगे। तो अब हम चालू करेंगे हमारे ग्राउंड फ्लोर से। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर के दुश्मन है यहाँ पे, ये सारे ग्राउंड फ्लोर के दुश्मन हैं। तो ये सब क्या है, छोटा छोटा सामान है। तो छोटे छोटे सामान को जो है हम पहले रेक्टिफाई करेंगे, पहले साफ करेंगे, फिर हम आएंगे सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। अब भाई ये हो गया अपना थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर, ये सारा है फर्स्ट फ्लोर, उधर भी हो गया फर्स्ट फ्लोर। तो अब ये जो चीज़ है सिर्फ यहाँ मैं सोता हूँ, क्योंकि भाई आई एम सिंगल तो आई एम नॉट मैरिड येट। तो ये जो है ये मैं अपनी स्टोरेज के हिसाब से जगह यूज़ करता हूँ। अब जैसे मेरा ब्लैंकेट है, मैं सुबह उठा तो अच्छे से इसको हमने उधर कर दिया, तो ये सारा एरिया मेरा क्लीन हो गया। अब यहाँ पे मेरे वो कपड़े पड़े होते जो मैं कहीं बाहर गया पहन मतलब आया और चेंज किया, तो यहाँ मैंने स्टोर कर दिए। वहाँ पे मेरा लैपटॉप हो गया, कुछ बुक्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें। अब जब अगर मेरी ये वाली जो जगह ये जब भर जाती है तो फिर मैं इधर हमारे ये मेरी सो कॉल्ड सिट आउट है जहाँ पे मैं एक्चुअली कभी बैठा नहीं हूँ, तो यहाँ पे हमारे और कपड़े आ जाते हैं। बाकी फिर ये जो जगह है जब वहाँ भी मेरा भर जाता है ना तो फिर मेरी चेयर यूज होती है, स्टडी टेबल वाली, वहाँ वैसे बैठते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ कपड़े नहीं है, यहाँ लेयर्स ऑफ कपड़े हैं। तो ये एक दो अरे तीन चार पाँच छः सात, अच्छा आई होप मेरी मम्मा ना देख रहे। तो ये सब हम ऐसे धीरे धीरे रेक्टिफाई करने वाले हैं। फिर यहाँ पे भी मामला थोड़ा ख़राब है, तो ये तो चलो छोटी स्टेज वाली बात होगी, यहाँ पे भी आएंगे। तो ये सारा है मामला, ये सारा है हमने रेक्टिफाई करना। बट जो मेन पॉइंट है कि यार अपना रूम क्लीन करना ज़रूरी इतना क्यों है, उसकी भी मुझे जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, बहुत टाइम बाद समझ आई। वो मेरी मॉम ने मुझे समझाई कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता, बहुत नेगेटिव फील हो रहा होता, बहुत ओवरथिंक कर रहे होते हैं, व्हाट एवर यू फील वेरी लो, तो उस टाइम पे आपकी जो सराउंडिंग्स है, जो क्लटर है, वो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाता है। तो काफ़ी टाइम से मतलब हमें कुछ नेगेटिविटी सी फील हो रही है और पॉजिटिव नहीं लग रहा, तो मुझे लगा कि भाई जब रूम ही हमारा इतना साफ है तो नेगेटिविटी कहाँ से आएगी, तो हमें आज इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना ही करना है। सो गाइस, जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने औकात अनुसार अच्छे से क्लीन और रेक्टिफाई कर दिया है। ये देखिए जो भी मेरे सारे इश्यूज थे हमने उसको अच्छे से अंदर डाल दिया है। मतलब जब खुद के ही कपड़े सुन सुन के पता करना पड़े ना कि भाई साफ है या खराब, तो मतलब थोड़ा मामला ज़्यादा खराब है। तो भाई देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा साफ हो चुका है, एंड लकीली मुझे काफ़ी टाइम से थोड़ा मेरे कपड़े क्यों नहीं है इसके, तो यहाँ पे जो बंडल था हमारे उसके नीचे ये इग्नोर हो रहे थे बेसिकली। तो गाइस अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सारा रेक्टिफाई हो चुका है, साफ हो चुका है जैसे आपने देखा। एंड अब हमारे पास बहुत नेक्स्ट लेवल एक औजार आया है हमारे हाथ में, जो कि इसको डस्टिंग का कपड़ा कहते हैं, जो कि कोई भी रैंडम कपड़ा तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी या भाई तुम्हारी डस्टिंग का क्लॉथ बना देती है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें और रेक्टिफाई करने वाले हैं। वैसे सारी चीज़ें और तो हो ही गई हैं, लेकिन ये जैसे धूल हो गई यहाँ पे या इधर काफ़ी धूल है, तो ये सारी चीज़ें इधर भी हमारे बेसिकली ORS है। थोड़े दिन पहले मेरे को थोड़ी रात को मुझे कुछ ठंडा पीना था, तो कुछ समझ नहीं आया, तो ORS पी लिया था, तो वहाँ पे भी नीचे बहुत धूल है, तो उसको भी हम रेक्टिफाई करने वाले हैं। सो थोड़ा रिकैप करेंगे गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने अपना कमरा सही से साफ करना सीख लिया तो तुम्हारे माता पिता श्री जो है वो इम्प्रेस हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। तो
ग्राउंड फ्लोर से चालू करेंगे, इवेंचुअली फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, सेकंड फ्लोर भी तुम्हारा रहेगा तो वो भी साफ कर सकते हो. तो छोटे से बड़ा हमें साफ करना है, एंड दैट इज द मेन थिंग हाउ वी शुड बी क्लीनिंग आवर रूम. ऑल्सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको सेंस, आपको कुछ पता चला कि कैसे एग्जैक्टली इन पैटर्न में आपको आपका जो रूम है वो साफ करना है, एंड जो भी फीडबैक है वो आप दे सकते हो, अच्छा है तो बहुत मतलब प्रसन्न हो जाएंगे हम भी. तो उसको उस पैटर्न से करना, मतलब लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. और अगर आप नेगेटिव कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सह लूँगा. उसके लिए भी सेम प्रोसेस यूज़ करना, लाइक करना, कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट और सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.